सो गाइस, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि Asus लगभग अपने सारे लेटेस्ट लैपटॉप्स को OLED डिस्प्ले के साथ में लॉन्च कर रहा है, तो इसी के साथ आज मैं एक और Asus का लैपटॉप लेके आया हूँ, जो है ये Asus VivoBook S14 S3402ZA, जो आता है i7 12th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में, और इसमें आता है EVO सर्टिफाइड प्रोसेसर। तो इस लैपटॉप की भी परफॉर्मेंस टेस्ट करके देखते हैं कि ओवरऑल ये लैपटॉप अपने बजट को जस्टिफाई करता है या नहीं, क्योंकि ये लैपटॉप आ रहा है 75,000 के बजट में, और जहां तक मैंने देखा है कि काफ़ी सारे i5 लैपटॉप्स 80,000 के आसपास आते हैं। तो इस लैपटॉप में हाई एंड गेमिंग करके इसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे और साथ ही इसके सारे बेंचमार्क टेस्ट करेंगे। सो गाइस, अगर आप एक लेटेस्ट i7 लैपटॉप सर्च करें अपने हाई एंड टास्क के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे, मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला लैपटॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा नहीं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू शूटिंग स्मार्ट 2.0, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले इस लैपटॉप की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेसर मिलता है इंटेल का लेटेस्ट i7 12th जनरेशन 12700H, ये एक EVO सर्टिफाइड प्रोसेसर है जिसकी बेस फ्रीक्वेंसी 2.3 GHz, 14 कोर्स, 20 थ्रेड्स और 24 MB की कैश मेमोरी मिलती है। और नेक्स्ट मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे मिलती है 16 GB की DDR4 डुअल चैनल 3200 MHz की फ्रीक्वेंसी पर रैम, जो कि है सैमसंग कंपनी की। तो सैमसंग की रैम वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग रैम भी हैं। और नेक्स्ट स्टोरेज ऑप्शंस की बात करते हैं, यहाँ पे मिलती है 512 GB की PCIe NVMe M.2 SSD माइक्रोन की, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहने वाली है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करते हैं, वाईफाई 6E और ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट देखने को मिलता है। और लास्ट में GPU की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड इंटेल के आयरिस एक्सी ग्राफिक्स मिलते हैं, जो कि 8 GB की GPU शेयर्ड मेमोरी के साथ में आते हैं। सो गाइस, इस लैपटॉप के बेंचमार्क स्कोर्स मैंने टेस्ट कर लिए हैं। तो सबसे पहले CPU बेंचमार्क्स की बात करते हो, Cinebench R23 से सिंगल कोर के लिए स्कोर मिला है 1256 और मल्टी कोर स्कोर मिला है 5010। इसके साथ ही नेक्स्ट Geekbench 5 स्कोर्स की बात करें तो यहाँ पे मिला है 1507 और मल्टी कोर के लिए 7252। इस CPU की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 4.6 GHz है और ये Elder Lake CPU है, और साथ ही डिटेल्ड स्कोर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट GPU बेंचमार्क्स की बात करें तो OpenCL Compute API पी मिला है 15640 और साथ ही में Vulkan Compute API पी मिला है 14384। GPU की डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे 96 कंप्यूट यूनिट्स मिलती हैं और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1.4 GHz है, और सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख पाओगे। सो गाइस, ये तो भी बेंचमार्क स्कोर्स की बात, और इसमें मेन परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं गेम प्ले करके। तो सबसे पहले मैं प्ले करने जा रहा हूँ GTA 5, और इसे फुल HD रेजोल्यूशन पे प्ले करेंगे, और साथ ही मैंने VSync को ऑफ किया हुआ है, तो देखते हैं कितनी FPS देखने को मिलती है। Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again just for the taste, but I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. There's JB's truck. Let's go bring the cha-ching, homie. Vehicle 29, come in. This is dispatch. We got an abandoned car in San Andreas Avenue. Yo, we on that like ugly on your mama. 10-9, come again. I didn't catch that. It's Tanya, fool, and my boy Franklin. We filling in for JB. Copy that. Hi, Tanya. Car's a junker. Been there for days. 10-7. I'm gone. A bucket. This one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss, yo gain, sugar. Except I ain't gaining. Look out! I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya, what the fuck happened to you? Okay, I seen JB do this 100 times. Back up close. Make sure the hook is down. And it should slide right in. Aye, baby. Back it up nice and steady. Okay, we are... in, baby. Let's get this back to the lot. Hey, this was not how I saw my day going. So
सो गाइस जैसे कि आपने देखा GTA 5 में 40 to 50 FPS की फ्रेम रेट मिली, तो जैसे कि आपको पता है स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन रहता है, 60 FPS की फ्रेम रेट आपको कंटिन्यूसली विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाएगी। मुझे थोड़ी सी कमी लग रही है i7 प्रोसेसर के हिसाब से, बट जो है यही है। सो नेक्स्ट उसमें प्ले करके देखते हैं टॉम क्लैंसीज घोस्ट रेकॉन वाइल्डलैंड, और ये GTA 5 से भी काफ़ी हाई एंड ग्राफिक्स का गेम है, तो देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी क्या देखने को मिलती है। Ready? Fire, fire, fire. Roger. Taking a shot. Good. We all in one piece? Easy. Kamine. Ready? Open fire. Copy that. Opening fire. सो गाइस ये गेम मैंने प्ले किया फुल एचडी रेजोल्यूशन और मीडियम सेटिंग्स पे, तो 30 to 40 fps की फ्रेम रेट मिल रही थी, तो आपको अराउंड 50 fps की फ्रेम रेट इजीली मिल जाएगी। और नेक्स्ट इसमें एक और रेसिंग गेम प्ले करके देख लेते हैं ब्लर, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। Thank you.
सो एज रेसिंग गेम में तो ग्राफिकल परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिलती है। इस गेम में अराउंड 50 FPS की फ्रेम रेट मिल रही थी, तो आपको 60-70 FPS की फ्रेम रेट मिल जाएगी। और इस गेम की साइज अराउंड 7GB है, बट ग्राफिकल डिटेल्स काफी शानदार देखने को मिलती है। तो इस गेम में आपको फुल HD रेजोल्यूशन पे 70 FPS की फ्रेम रेट देखने को मिल जाएगी। सो गाइस, ये था ASUS ZeBook S14 i7 EVO 12th जनरेशन वेरिएंट। और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस मुझे एवरेज ही देखने को मिली। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि i7 EVO प्रोसेसर के साथ में कोर i7 के मुकाबले बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, बट परफॉर्मेंस तो एवरेज देखने को मिल रही है। गेमिंग परफॉर्मेंस टेस्ट की तो आपने देखा कि फ्रेम रेट भी एवरेज 50-60 FPS तक ही जा रही थी। और इससे पहले मैंने i5 वेरिएंट टेस्ट किए हैं, उसमें 90 FPS तक फ्रेम रेट मिल रही थी। बाकी इसके साथ ही इस लैपटॉप के फिजिक की बात करें तो यहाँ पे 14 इंच की 2.8K OLED डिस्प्ले मिलती है। कलर डिटेल्स तो काफ़ी शानदार है, डिस्प्ले भी काफ़ी सही लग रही है, बट ऑडियो की बात करें तो यहाँ पे ऑडियो काफ़ी कम सुनने को मिला। इस लैपटॉप में ऑडियो प्रोवाइड करवाया हरमन कार्टन ने। क्वालिटी तो काफ़ी सही है, बट वॉल्यूम मुझे काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिली। और बाकी बैकलिट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा, लेकिन नंबरपैड का सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसमें नंबर पैड नहीं दिया, आपको एक लार्ज साइज का टच पैड ही मिलता है। सो गाइज, ओवरऑल इस लैपटॉप की रिगार्डिंग फाइनल ओपिनियन की बात करो तो ये लैपटॉप 75,000 का आ रहा है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर 75,000 इन्वेस्ट करें तो VivoBook की जगह ASUS के ZenBook सीरीज के साथ में जाएं। ZenBook सीरीज की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। मैंने काफ़ी न्यू वेरियंट्स भी टेस्ट किए हैं और लास्ट वीडियो में आपने ZenBook के एक लैपटॉप की परफॉर्मेंस देख ही ली थी। इसके अलावा भी ZenBook सीरीज की परफॉर्मेंस ऑलवेज बेटर देखने को मिलेगी। सो गाइज, ओवरऑल मैं आपको ये लैपटॉप रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप 80,000 इन्वेस्ट करें तो आप एक गेमिंग लैपटॉप भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए तो आप ZenBook के किसी भी लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग लैपटॉप के साथ में। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।